से बड़ा और क्या मजाक हो सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं करप्शन पर ना अहली नहीं हुई, कंपनी बेटे की है, हिसाब मुझसे मांगा गया, बहुत कुछ समझ में आ रहा है मगर अभी खामोश रहना चाहता। नवाज शरीफ की नाम लिए बगैर परवेज मुशर्रफ पर तनकीद, कहा माजी के डिक्टेटर ने जमहूरियत से डिक्टेटरशिप को बेहतर करार दिया, इसे पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं, अवाम में बात करें तो पता चल जाएगा। मजीद बोले क्या कोई ऐसी अदालत है जो किसी आमिर को सजा दे सके। नाहली के बाद नवाज शरीफ की अवामी राबता मुहिम, इस्लामाबाद से मरी तक साबिक वजीर आजम का वालेहाना इस्तकबाल, कारकुनों के शेर आया किनारे, पार्टी तरानों पर भंगड़े, साबिक वजीर आजम के लिए कानून भी खामोश, इस्लामाबाद में दफा 144 के बावजूद नून लीगी कारकुनों की 12 कहों में रैली। नवाज शरीफ कल मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे, सूबाई दारुल हुकूमत में इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल, सड़कों पर बैनर्स लग गए। पीपल्स पार्टी का चित्राल में पिंडाल सज गया, हर तरफ पार्टी झंडों की बहार, कारकुन पर जोश, बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों से खिताब करेंगे। N120 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद की इलेक्शन मुहिम शुरू, कहती हैं जितनी मशीनरी इस्तेमाल करनी है कर लो, लाहौर में भी तख्त गिराए जाएंगे, नून लीग अभी तक उम्मीदवार सामने नहीं ला सकती। मसीहाओं की हट धर्मी, पंजाब भर के अस्पतालों में ओपीडीज बंद, लाहौर के जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स का रिपोर्टर और कैमरामैन पर तशद्दुद, जूनियर डॉक्टर सीनियर से भी बदतमीजी करने लगे। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास, कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की 14 अदालतें कायम करने पर गौर, मुराद अली शाह कहते हैं अदालतों में CCTV कैमरे और सिक्योरिटी के जदीद आलात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। और मुल्तान में पंचायत के हुक्म पर लड़की से मात, मरकजी मुलजिम उमर वारा समेत 23 मुलजिमों की अदालत में पेशी।